आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे, टू मच फन, ये तो तय है। जब ये डायलॉग जहन में आता है तो साल 2014 में आई फिल्म किक की याद दिलाता है, जो कि एक रोमांस एक्शन से भरपूर मूवी थी जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। सलमान बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता हैं जो कि हर तरह के किरदारों को बखूबी निभाते हैं और उन्होंने इस फिल्म में भी अपने किरदार को बखूबी निभाया था। यही वजह है कि उनके फैंस उनकी अपकमिंग मूवी का बेसब्री से इंतजार करते हैं और वे जानना चाहते हैं कि उनकी अपकमिंग मूवी कौन सी होगी, फिल्म में उनका किरदार किस तरह का होने वाला है और फिल्म की कहानी किस तरह की होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सलमान खान की अपकमिंग मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड के दमदार अभिनेता सलमान खान, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपना वो मुकाम हासिल किया है जिन्हें आज किसी भी पहचान की जरूरत नहीं, जिन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, उन्हीं में से साल 2014 में आई फिल्म किक भी है जो कि तेलुगु फिल्म किक का पुनः निर्माण है, जिसे साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया था, जिनमें मेन लीड रोल में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे। आपको बता दें, फिल्म में रणदीप हुड्डा का किरदार एक पुलिस वाले का था जिन्होंने अपने इस किरदार को काफी अच्छे से निभाया था। वे फिल्म में विलन के तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे, जिनकी आवाज को लोगों ने काफी पसंद किया था। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी सफल फिल्म रही थी और दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले ही सप्ताह में 170 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इस फिल्म को दोबारा बनाया जाना है, जिसे एक बार फिर साजिद नाडियाडवाला द्वारा ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया जाएगा, जो कि अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है। अब बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो आपको बता दें, फिल्म में एक बार फिर से आप सभी को वही पुरानी जोड़ी सलमान और जैकलिन फर्नांडिस की नजर आने वाली है, जिन्होंने फिल्म में अपने अंदाज से लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई थी, जैसा कि हाल ही में आपको इनकी जोड़ी रेस 3 में देखने को मिली थी। हालांकि सलमान खान अभी अपनी अपकमिंग मूवी राधे की शूटिंग में व्यस्त है, जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म की जाती है वैसे ही अपनी अपकमिंग मूवी किक के शेड्यूल पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस बार फिल्म में विलन के लिए एक नए चेहरे की तलाश जारी है। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि वह नया चेहरा कौन सा होने वाला है। फिलहाल इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। जैसे ही फिल्म की स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट कंफर्म किए जाते हैं वैसे ही फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वेल, अब देखना ये रहेगा कि ये फिल्म पहले की तरह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आपको सलमान खान की फिल्म किक के सीक्वल का कितना बेसब्री से इंतजार रहेगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।